Good morning, students. Today we are going to learn the back objectives of chapter 3 of computer. So first one is choose the correct answer. Here are the solved back objectives for you. First one, a cell is the intersection of dash and dash. So cell jo hai kiska intersection hota hai? Row and column ka. Second one, a table can be drawn using dash method. Options are grid option, insert table dialog box, draw table and all of these. So students, hum jante hain, we can draw a table by using grid option also, insert table dialog box also and draw table also. So the answer will be all of these. The third one, combining two or more cells in a table is called dash the cells. स्टूडेंट्स हम जानते हैं जब हम सेल्स को कंबाइन कर देते हैं जोड़ देते हैं आपस में तो हम क्या बोलते हैं स्प्लिटिंग नहीं मिक्सिंग नो मर्जिंग यस एंड इंसर्टिंग सो आंसर विल बी मर्जिंग द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड मर्जिंग नेक्स्ट वन टेबल स्टाइल स्टाइल्स कैन बी अप्लाइड ऑन अ टेबल यूजिंग डैश टैब सो अब हमें टेबल स्टाइल्स का यूज करना है तो वो कौन से टैब में था देखिए यहाँ पे टैब पूछ रहा है तो स्टाइल्स है फॉर्मेट है इंसर्ट है डिजाइन तो आंसर विल बी डिजाइन क्योंकि डिजाइन टैब में ही आपको स्टाइल्स मिलते हैं टेबल स्टाइल्स ठीक है टेबल स्टाइल्स का ऑप्शन ही डिजाइन टैब के अंदर आता है नेक्स्ट वन देयर आर डैश ऑप्शंस फॉर सेल अलाइनमेंट हमें पता है स्टूडेंट्स सेल अलाइनमेंट में कितने टोटल ऑप्शन है 9 ऑप्शन है जिसके बारे में आपने पहले पढ़ चुके हैं नाउ हियर इज फिल इन द ब्लैंक्स Tabular means in the form of dash and dots. So answer will be rows and columns. Dash is one of the methods to create a table on MS Word. Using grid option is one of the methods to create a table on MS Word. Next is insert above option inserts a dash in the table. Insert above and insert below, insert left and insert right. आपने इसके बारे में पढ़ा है. So insert above obvious यदि above होगा या below होगा तो क्या होगा वो row के बारे में ही होगा. इसलिए option answer क्या हो जाएगा row. And insert left inserts a dash in the table. तो क्या होता है insert left and insert right करते हैं तो क्या करते हैं column को insert करते हैं. Now here is match the following. मूव टू लास्ट कॉलम आंसर विल बी alt प्लस एंड यदि हमने किसी एक टेबल में है और हमें लास्ट कॉलम में जाना है तो हम क्या दबाएंगे alt प्लस एंड नेक्स्ट डिलीट सेलेक्टेड कॉलम तो हमने क्या दबाना है शिफ्ट प्लस डिलीट तो जिस भी कॉलम को हमने सेलेक्ट किया हुआ है हमने शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा नेक्स्ट एंड देन शिफ्ट प्लस होम सो आंसर विल बी ए सेलेक्ट कंटेंट ऑफ करेंट सेल यदि हमने करेंट सेल का कंटेंट को सिलेक्ट करना है तो हम ये पहले एंड दबाएंगे फिर शिफ्ट के साथ होम दबाएंगे नेक्स्ट है सेलेक्ट करेंट सेल यदि हमने एक सेल को सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे शिफ्ट प्लस एंड मूव टू वन रो डाउन हमें एक रो डाउन नीचे जाना है तो क्या करेंगे डाउन एरो को प्रेस करेंगे नेक्स्ट है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो मूव करेंट रो अप यदि हमने रो को ही ऊपर ले जाना है तो हम क्या यूज करेंगे अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो State true or false. Students, अब हम true false को देखते हैं. First one, a column is the vertical series of cells. एक column क्या होता है? Vertical series होता है cells का. जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, vertical series के columns को हम cells बोलते हैं और जो horizontal series होते हैं उनको हम rows बोलते हैं. Second one, so this statement is true. A column is the vertical series of cells, so this statement is true. Second one, draw table. Draw table option inserts an 8x10 table. So this statement is false. क्योंकि draw table में हमने क्या करते हैं हम अपनी requirement के अनुसार table को design कर सकते हैं. So this statement is false. Third one, tab key takes the cursor to the next available cell in the table. This statement is true. Students हम जानते हैं कि हमने एक table बना लिया है और हमने उस cell में कुछ type कर रहे हैं table में तो हमने एक cell में type किया कुछ उसके बाद हमें next cell में जाना है तो हम tab key को press करेंगे तो फिर हम next cell में चले जाते हैं. So this is true. Next one, fourth one. After creating a table, unwanted rows and columns cannot be deleted. So this statement is false. हम जानते हैं कि हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं यदि हमने कोई रोज या कॉलम हटाना है तो हम हटा सकते हैं उसे डिलीट कर सकते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स नेक्स्ट वन डिजाइन टैब अलाउज अप्लाइंग फॉर्मेटिंग ऑन द टेबल सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टूडेंट्स हमने जानते हैं कि हमें यदि टेबल
क्रिएट कर लिया है, तो टेबल क्रिएट करने के बाद हमने उस टेबल का स्टाइल चेंज करना है, उसके बॉर्डर्स चेंज करने हैं या बॉर्डर्स का अलग अलग थिकनेस करना है, तो ये सभी चीज़ हम कर सकते हैं किसमें, डिज़ाइन टैब में। सो देखिए इसमें लिखता, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, और ये ट्रू इसलिए भी है क्योंकि फॉर्मेटिंग ऑन द टेबल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मेटिंग ऑन द टेबल, डिज़ाइन टैब में ही हम टेबल का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यदि हमने टेबल के अंदर का फॉर्मेटिंग करना है तो फिर हम दूसरे टैब में करते हैं। चैप्टर फोर जो हमारा है ये है वर्ड प्रोसेसर और मेल मर्ज। इसमें वर्ड प्रोसेसर में हमने इसके पहले थर्ड चैप्टर में देखा था टैबुलर प्रेजेंटेशन, और चैप्टर फोर में क्या है, मेल मर्ज। मेल मर्ज के बारे में अब हम जानेंगे। व्हाट इज मेल मर्ज स्टूडेंट्स, मेल मर्ज क्या है हम इसके बारे में थोड़ी समझते हैं। मेल मर्ज इज अ यूजफुल टूल विच इनेबल्स द यूजर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, letters, emails, fax, etc. that are same but contain different recipient's name, address, contact number, city, state, etc. mail merge क्या होता है? mail merge एक ऐसा tool है जिसमें कि हम एक document create करते हैं जो document same रहता है लेकिन उसमें recipient's name, address, phone numbers, state, city ये सब अलग अलग रहते हैं और हमने document एक ही बार में create कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स ऑफ रिसिपेक्टिव रेसिपेंट्स विल बी ऑटोमेटिकली एडेड इन द डॉक्यूमेंट। और मेल मर्ज में क्या फैसिलिटी है, हमने डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और एक जगह अलग से डेटा सोर्स रखते हैं और फिर क्या करते हैं, वो दोनों मर्ज हो जाते हैं और एक साथ हमारा बहुत सारा डॉक्यूमेंट जितने भी रेसिपेंट्स के लिए हमने तैयार किया है वो प्रिपेयर हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड मेल मर्ज। टर्म्स ऑफ मेल मर्ज स्टूडेंट्स, मेल मर्ज के इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको समझने हैं और आपको याद रखने हैं, लाइक दैट फर्स्ट वन इज मेन डॉक्यूमेंट, सेकेंड डेटा सोर्स, थर्ड मर्ज फील्ड एंड फोर्थ मर्ज डॉक्यूमेंट। सो आप ये सभी टर्म्स को ध्यान से समझेंगे और याद रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आइए वन बाई वन समझते हैं। फर्स्ट वन इज मेन डॉक्यूमेंट। इट इज द डॉक्यूमेंट विच हैज द कॉमन डेटा। ये कैसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि कॉमन डेटा है, कैसा कॉमन डेटा, दैट नीड्स टू बी सेंड टू मल्टीपल रिसिपेंट्स, है ना। तो ये हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है और उसमें एक कॉमन डेटा है, मतलब हमने कोई इंफॉर्मेशन सभी को देना है और हमने वो डेटा प्रिपेयर किया, वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन जिनको देना है वो लोग अलग अलग हैं। तो ये हो गया मेन डॉक्यूमेंट। जो मेन डॉक्यूमेंट है मतलब हमने जो मुख्य बात है जो कि हमने अगले व्यक्ति को पहुंचाना है, दैट इज कॉल्ड मेल मेन डॉक्यूमेंट। तो कैसा है, इट इज द डॉक्यूमेंट विच हैज द कॉमन डेटा दैट नीड्स टू बी सेंड टू मल्टीपल रेसिपेंट्स, मीन्स दैट द डेटा इज द सेम बट द रेसिपेंट्स आर डिफरेंट। सो इट इज कॉल्ड मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट हैज द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट, मीन्स एसेंशियल पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मेन डॉक्यूमेंट क्या है, एसेंशियल पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का सबसे एसेंशियल पार्ट मेन डॉक्यूमेंट में ही होता है। नेक्स्ट, डेटा सोर्स। This is like an address book that contains recipients' details in tabular form that is to be merged with the main document. Data source में क्या होता है? एक tabular form में recipients का detail रहता है। जैसे उसका address, क्या name है, क्या address है, क्या phone number है, कौन से शहर में रहते हैं, क्या pin code है, इस तरह की सारी detail कहाँ पे रहती है? एक tabular form में data source में बनाई जाती है। Here is a table. इसमें क्या होता है? एक table होता है that contains all the details that needs to be mentioned in letters. इसमें क्या होता है? हमने एक table बना लिया, उसमें हमने मान लीजिए 10 या 12 लोगों को हमने कोई letter भेजना है, तो 10 या 12 लोगों का नाम रहेगा, ठीक है, उनका name, address, phone number, mobile number, ठीक है, पिन कोड नंबर, कौन से शहर में रहते, ये सारा डिटेल हमने लिख दिया, ये हमारा डेटा सोर्स तैयार हो गया। और एक तरफ हमने क्या तैयार किया, मेन डॉक्यूमेंट तैयार किया, और मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को जब हम मर्ज कर देते हैं तो हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, मर्ज फील्ड। स्टूडेंट्स, इन मर्ज फील्ड को समझेंगे आप। इट इज द डेटा आइटम विच इज टू बी मर्ज्ड विद द डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ डेटा सोर्स। मर्ज फील्ड में क्या आता है, इसमें कुछ डेटा आइटम्स हैं जिनको कि हमें मर्ज करना है, किसके साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, फ्रॉम अ डेटा सोर्स, डेटा सोर्स से लेकर के मर्ज करना है डेटा आइटम को, फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एटसेट्रा,
ये सभी आपको मर्ज करने होंगे वन बाय वन। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड फील्ड टू बी मर्ज्ड। जैसे हमने डेटा सोर्स तैयार किया है, ठीक है ना, नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, एटसेट्रा है, सिटी है, स्टेट है, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर ही मर्ज करें, सिटी और स्टेट को छोड़ दें, या फिर सिर्फ सिटी को ऐड करें, स्टेट को छोड़ दें, या मेल आईडी को छोड़ दें, इस तरह से। तो यही चीज आपको करना पड़ता है, रिपीट दिस प्रोसेस टिल यू मर्ज ऑल द फील्ड्स। तो आपको क्या करता है, आपको मर्ज फील्ड में जा करके वन बाय वन इन सबों को आपको मर्ज करना पड़ेगा। इसको हम आगे सीखेंगे कि ये कैसे काम करना, बस अभी आप ये समझेंगे कि मर्ज फील्ड क्या है। तो क्या है, इट इज द डेटा आइटम विच इज टू बी मर्ज विद द डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ डेटा सोर्स, फॉर एग्जाम्पल नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एटसेट्रा। नेक्स्ट है मर्ज डॉक्यूमेंट। अब समझेंगे हम कि मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है। इट इज द फाइनल डॉक्यूमेंट विच इज ऑब्टेंड आफ्टर मर्जिंग ऑफ फील्ड्स। तो ये क्या है, मर्ज डॉक्यूमेंट, दैट इज फाइनल डॉक्यूमेंट। कैसा फाइनल डॉक्यूमेंट, विच इज ऑब्टेंड आफ्टर मर्जिंग ऑफ फील्ड्स। ठीक है, फील्ड्स को मर्ज कर दिया, उसके बाद जो डेटा हमको मिला वो हमारा बोलते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट, फ्रॉम डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। और कैसे हमने मर्ज किया, डेटा सोर्स को मर्ज किया किसके साथ, मेन डॉक्यूमेंट के साथ। तो हमने जो डॉक्यूमेंट पाया दैट इज कॉल्ड मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज रेडी डॉक्यूमेंट आफ्टर मर्जिंग, मीन्स इफ वी हैव मर्ज्ड अ डॉक्यूमेंट विद 12 रेसिपिएंट्स डेटा सोर्स देन वी गॉट 12 डॉक्यूमेंट्स विद डिफरेंट रेसिपिएंट्स नेम। हमने मान लीजिए एक डेटा तैयार किया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और 12 अलग अलग रेसिपिएंट्स भी हमने रेडी कर लिए, तो हमने एक जो लेटर तैयार किया या जो बॉडी तैयार किया वो डॉक्यूमेंट हो गया, हमारा मेन डॉक्यूमेंट हो गया, और 12 रेसिपिएंट्स के नेम तैयार कर लिए। और जब हम इसको मर्ज कर लेंगे तो हमारे पास 12 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, जिसमें सबका अलग अलग नेम, अलग अलग एड्रेस और फोन नंबर ऐसे लिखा रहेगा, और बीच में हमारा क्या रहेगा, जो हमने मेन डॉक्यूमेंट है उसका कंटेंट रहेगा, और ऊपर में उनके नेम सबके आ जाएंगे, यानी हमें लेटर को बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये मर्ज डॉक्यूमेंट का हम यूज करते हैं, इसलिए हम मेल मर्ज का भी यूज करते हैं। हाउ टू यूज मेल मर्ज, स्टूडेंट्स अभी हम समझते हैं कि मेल मर्ज को हम कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट, सबसे पहले क्या करते हैं, हम मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, विच कंटेन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच नीड टू बी सेंड टू डिफरेंट पीपल। और मेन डॉक्यूमेंट में क्या आता है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स होता है, सारी इम्पॉर्टेंट थिंग्स मेरी सारी जानकारी होती है जो कि हमें अलग अलग लोगों को भेजनी होती है, है ना। इट मे बी फ्रॉम ओपन एंड टाइप अ न्यू डॉक्यूमेंट और फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। हम मेल मर्ज में जैसे ही मेल मर्ज का ऑप्शन यूज करते हैं, मेल मर्ज स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम जाकर के भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, जैसे ओपन एंड टाइप अ न्यू डॉक्यूमेंट और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, या फिर पहले से भी हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा हुआ है उसको भी हम मेल मर्ज में यूज कर सकते हैं। सेकेंड, क्रिएट अ डेटा सोर्स इन MS Excel और MS Access एंड सेव इट विथ प्रॉपर फाइल नेम। और हम क्या करते हैं, डेटा सोर्स कैसे तैयार करते हैं, उसको हम MS Excel में टाइप करते हैं या फिर MS Access में टाइप करते हैं, और फिर उसका हम मेल मर्ज में यूज करते हैं। नाउ वी विल फॉलो द स्टेप्स सेट बाय द स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन। इसके बाद हमको क्या करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है, और स्टेप्स हमको कौन बताता है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन दैट वी गेट बाय क्लिकिंग स्टार्ट मेल मर्ज बटन अंडर मेलिंग टैब इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। हमने वर्ड डॉक्यूमेंट में मेलिंग टैब के अंदर जाना है, फिर उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज बटन पे क्लिक करना है। उस बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन पे जाना है। इस चीज को आइए हम एक इमेज में अच्छी तरह से समझते हैं। ये देखिए, ये हमने एक टैब लिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, इस तरह से टैब्स हैं। यहाँ पे हमारा ये मेलिंग टैब आपको दिख रहा है। जैसे ही आप मेलिंग टैब पे क्लिक करते हैं, आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये स्टार्ट मेल मर्ज का ग्रुप आ जाता है आपके पास। यहाँ पर इसमें देखिए फर्स्ट वन है ना, स्टार्ट मेल मर्ज, ये बटन है। इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए स्टार्ट मेल मर्ज बटन पे हमने क्लिक किया है, और हमने यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक किया तो ये इस तरह का है, लेटर्स, ईमेल्स, मैसेज, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, और सबसे लास्ट में सबसे नीचे क्या है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो कैसे आपको यहाँ तक पहुँचना है, आप इसके पर फिर से देख लीजिएगा।
मेलिंग टैब में जाना है, फिर स्टार्ट मेल मर्ज बटन को क्लिक करना है, फिर उसमें सबसे नीचे है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। और जब हम इस पे जाते हैं तो एक और डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें कि हमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि अब मेल मर्ज में पहले ये करना है, फिर ये करना है, इस तरह से, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।